नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज, प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर ए के राय ने पदभार किया ग्रहण। सिंगल विंडो सिस्टम से छात्रों की समस्या दूर करने की कही बात। भागलपुर डीआरडीए सभागार में डीएम प्रणब कुमार ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। खेत में काम करने गए मजदूरों पर गिरा ठनका, एक की मौत, तीन की हालत गंभीर। भू राजस्व मंत्री एवं सांसद ने पंजवाड़ा में नव निर्मित पुल का किया उद्घाटन, ग्रामीणों में दिखा उत्साह। और देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा पूजा की सारी तैयारी हुई पूरी, मंगलवार को होगी पूजा। और अब खबरें विस्तार से। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय ने सोमवार को विश्वविद्यालय के 62वें प्रभारी कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। इसके पूर्व प्रोफेसर विभास चंद्र झा टीएमबीयू के कुलपति थे। वहीं कुलपति के विश्वविद्यालय पहुंचते ही रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह, डीएसडब्ल्यू डॉक्टर योगेंद्र महतो, एफए पदमकांत झा, डीओ डॉक्टर अभ्यानंद सहाय समेत कई अधिकारियों ने कुलपति का बूके देकर स्वागत किया। इसके बाद कुलपति सीधे अपने कक्ष पहुंचे, जहां प्रति कुलपति प्रोफेसर मेतन प्रसाद, बीएन मंडल विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर फारूक अली समेत कई शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने कुलपति प्रोफेसर एके राय का स्वागत किया। वहीं कुलपति ने बीएन मंडल विश्वविद्यालय के अधिकारियों का परिचय टीएमबीयू के अधिकारियों से कराया। इसके बाद कुलपति ने कहा कि सभी के सहयोग से विश्वविद्यालय का विकास किया जाएगा। कुलपति ने सबका साथ और सबके विश्वास के साथ कार्य करने की बात कही। वहीं कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय ने अधिकारियों को पहले ही दिन कई दिशा निर्देश दिए और कहा कि शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी छात्रों की समस्या को गंभीरता से सुने और उसके समाधान का प्रयास करें। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की समस्या सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सुनी जाएगी और एक सप्ताह के भीतर समस्या समाधान का प्रयास किया जाएगा। वहीं कुलपति ने छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया और कहा कि एक अधिकारी को दूसरे पर विश्वास करना होगा, साथ ही अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी, तभी विश्वविद्यालय का विकास संभव है। मौके पर प्रॉक्टर प्रोफेसर विलक्षण रविदास, प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी, प्रोफेसर आरसी राय, प्रोफेसर इकबाल अहमद, डॉक्टर भास्कर पाठक, डॉक्टर दीपो महतो, बलराम सिंह, बीएनएमयू के पीआरओ डॉक्टर सुधांशु शेखर समेत कई लोग मौजूद थे। मेरा एक ही पहला उद्देश्य ये है कि परीक्षा फल जो है नियमित हो, परीक्षाएं जो चल रही हैं वो लेट सेशन चल रहे हैं, यहाँ तो कम हो गया है बहुत हद तक, लेकिन जो भी कमी है उसको हम तुरंत परीक्षा फल प्रकाशित कर उसको सत्र को नियमित करने का हम प्रयास करें। और दूसरा हमारा प्रयास है कि जितने भी हमारे कॉलेजेज हैं उसमें बहुत से कॉलेज का नेक हुआ है लेकिन कुछ कॉलेजेस का भी नेक नहीं हुआ है हमारे महाविद्यालयों का, उसका हम नेक से भी जो है एक्रीडेशन कराने का हम प्रयास करेंगे जल्द से जल्द नेक को, क्योंकि वह एक मानक होता है और पूरे देश में अगर किसी कॉलेज का नेक से एक्रीडेशन हो जाता है तो वह जो है देश के बिल्कुल जो लिस्ट है विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के उसमें वो आ जाता है। इसलिए मेरी दूसरी प्रायोरिटी ये होगी और तीसरी प्रायोरिटी ये होगी कि जो भी यहाँ पर रिटायरल बेनिफिट्स होने चाहिए जिसके बाकी हैं पैसे, उनको मैं कोशिश करूँगा कि उनके रिटायरल बेनिफिट्स उनको मिल जाए। भागलपुर के डीआरडीए सभागार में सोमवार को शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी प्रणब कुमार, डीडीसी सुनील कुमार और जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुसूदन पासवान मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता डीएम प्रणब कुमार ने की। इस दौरान डीएम ने सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की जानकारी ली और शिक्षकों से बेहतर शिक्षा प्रदान करने की बात कही। डीएम ने स्कूल में छात्रों को होने वाली समस्याओं को जल्द दूर करने का निर्देश डीईओ को दिया। डीएम ने स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति, पोशाक राशि से संबंधित जानकारी ली और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अमरपुर के वल्ली कित्ता गांव में सोमवार को तेज बारिश के साथ वज्रपात होने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि तीन लोग वज्रपात की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। सभी घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सभी लोग खेसरिया बहियार में खेत पर मजदूरी करने गए थे। इसी दौरान तेज बारिश के साथ ठनका गिरने से डॉली देवी नामक महिला की मौत हो गई, जबकि सुदामा देवी, लाखो देवी, सुशीला देवी एवं गोपाल मंडल घटना में गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद मृतक महिला के घर में कोहराम मच गया।
गया है। बांका के पंजवारा में चीर नदी पर बने नव निर्मित पुल का उद्घाटन सोमवार को सुबह के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम नारायण मंडल और सांसद गिरधारी यादव ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। पुल का निर्माण होने से विक्रमपुर और गोविंदपुर के ग्रामीण काफी उत्साहित थे। मंत्री राम नारायण मंडल ने कहा कि पुल बन जाने से कई गाँव का सीधा संपर्क मुख्यालय से हो गया और दर्जनों गाँव के लोग इससे लाभान्वित होंगे। मंत्री ने संवेदक को पुल के पहुँच पथ को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर भाजपा प्रखंड अध्यक्ष सुभाष शाह, निखिल बहादुर सिंह, रास मोहन ठाकुर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा मंगलवार को पूरे अंग प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। भागलपुर के विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठान, बिजली कार्यालय, शोरूम, पावर ग्रिड एवं रेलवे के विभिन्न विभागों में विश्वकर्मा पूजा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। शहर में कई जगह पर प्रतिमा स्थापित करने के लिए खूबसूरत पंडाल बनाए गए हैं और इन पंडालों को सजाने का कार्य कलाकारों द्वारा किया जा रहा है। भागलपुर के राधा रानी सिन्हा रोड स्थित उप श्रमायुक्त कार्यालय परिसर में सोमवार को श्रम कल्याण दिवस को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन प्रभुनाथ प्रसाद एवं रिपु सदन मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान श्रम अधीक्षक रिपु सदन मिश्रा ने कहा कि श्रमिकों के लिए सरकार के द्वारा भवन निर्माण से जुड़े 15 योजनाएं चलाई जा रही है और श्रमिकों का ऑन द स्पॉट निबंधन भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी वर्ग के कामगार मजदूर योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि भागलपुर जिले में 24,000 श्रमिक को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और जल्द ही इसको पूरा कर लिया जाएगा। इस मौके पर श्रम कार्यालय के कर्मी और काफी संख्या में श्रमिक मौजूद थे। ये भवन निर्माण से जुड़े सभी कर्मकारों का कार्ड जो ऑन स्पॉट निबंधन किया जा रहा है उनका भी वितरण माननीय पीठासीन अधिकारी के द्वारा आज कार्यालय में किया गया। इसमें भवन निर्माण में लगभग 15 योजनाएं चल रही हैं जिसमें मुख्य रूप से भवन मरम्मति का है, मातृत्व लाभ का है, विवाह सहायता का है जिसमें प्रथम दो पुत्र के लिए 50,000 रुपये दिया जाएगा। अभी 19-20 में लगभग 43 आवेदन सैंक्शन हो चुका है। 45 लाखों को इस आवेदन योजना से लाभ दिया जा चुका है। यूनिक कलेक्शन के साथ भागलपुर कचहरी चौक स्थित भाविया शोरूम का शुभारंभ सोमवार को हुआ। शोरूम का शुभारंभ पंडित वाल व्यास, मेयर सीमा शाह, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर, प्रोपराइटर किशोर घोष और आगत अतिथियों ने फीता काट कर किया। इसके बाद जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह समेत शहर के प्रबुद्ध लोगों ने शोरूम के कलेक्शन को घूम घूम कर देखा और जमकर प्रशंसा की। वहीं किशोर घोष ने बताया कि भागलपुर के लोगों को अब अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। भाविया शोरूम में सभी मूल्य के कपड़े उपलब्ध है और विशेषकर महिला परिधान हर रेंज में उपलब्ध है। शोरूम में सर्वश्रेष्ठ ब्रांड और डिफरेंट टाइप का लहंगा, चुनरी और साड़ी मौजूद है। भाग्या शोरूम जो खोला गया है ये भागलपुर में एक अलग किस्म का शोरूम है। इसमें सिर्फ महिलाओं के लिए जो है सारा साड़ी, कुर्ती, सूट और एक ब्राइडल जो कस्टमर बाहर जाते थे भागलपुर से दिल्ली कलकत्ता उसको रोकने के लिए हमने एक अलग ब्राइडल फ्लोर भी बनाया है जिसमें कि सभी रेंज के और 1-1 लाख तक का लहंगा का भी जो है, ऊंचे रेंज का भी जो है वो सब एक ही छत के नीचे हम देने का कोशिश की है। अभी 3 डेज का डिस्काउंट वाउचर है 10% का और हम लोग का रेट काफ़ी जेन्युइन रखा गया है इसलिए क्योंकि हम लोग अभी नया दुकान है और इसको चलाने के लिए हम लोग अभी एकदम रेट को एकदम और ब्रांडेड भी है यहाँ पर वीवा डब्लू जो कि एक छत के नीचे बहुत कम लोगों को मिलता था और महिला को खास करके आज अलग से सोचती थी कि हमको अलग से एक दुकान हो, एक अलग से एक फील आए, वो हमने यहाँ कोशिश किया है कि भागलपुर के महिलाओं को एक अलग से बैठने का और देखने का अच्छा रेंज मिले। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर। मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा
छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मसदी पंचायत को सूखाग्रस्त करने की मांग को लेकर पंचायत समिति सदस्य राजेश बिंद ने सोमवार को सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय धरना दिया। ग्रामीण महिलाओं के साथ धरने पर बैठे पंचायत समिति सदस्य राजेश बिंद ने कहा कि पंचायत सुखाड़ की मार झेल रहा है, यहाँ किसानों को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। अति शीघ्र इस पंचायत को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर पंचायत सूखाग्रस्त घोषित नहीं होता है तो स्थानीय विधायक सुबोध राय का ग्रामीण कड़ा विरोध करेंगे। यहाँ अधिकतर किसान खेती पर ही निर्भर है। इस पंचायत में धान गेहूं की अधिक फसल होती है, लेकिन इस बार वर्षा नहीं होने के कारण फसल चौपट हो गया। क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर राजेश बिंद ने प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभात रंजन को ज्ञापन सौंपा। हमारे मसदी पंचायत पूर्ण रूप से सूखाग्रस्त है। अभी भी स्पॉट पर जाए चेक कर ले। हम लोग पानी के लिए ताहिमान है। पानी के थोड़ा बहुत रोपा हुआ है, 15% 20% इससे ज्यादा रोपा नहीं हुआ। हम लोग पानी के लिए अकाल है और हम लोग को सुखाड़ग्रस्त होना चाहिए। अगर सुखाड़ग्रस्त घोषित नहीं हुआ, अगर मस्ती पंचायत में सुबोध राय का गाड़ी दिखाई दिया, गाड़ी सहित लगा देंगे उसको। 21 सितंबर को सूबे के नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में नगर परिषद द्वारा निर्मित आश्रय स्थल का उद्घाटन करेंगे। इससे पूर्व सोमवार को नगर सभापति नीलम देवी, उप सभापति उषा देवी एवं कार्यपालक पदाधिकारी सुमित्रा नंदन ने आश्रय स्थल में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य का जायजा लिया और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नव निर्मित 3 मंजिला आश्रय स्थल में भोजन, ठहराव एवं मनोरंजन की व्यवस्था रहेगी। इस दौरान स्वच्छता निरीक्षक दिलीप कुमार डे एन यूएलएम के नगर मिशन प्रबंधक मुकेश सिंह मौजूद थे। वृक्षारोपण अभियान के तहत घोघा रेलवे स्टेशन पहुंच पथ के दोनों ओर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व सामाजिक संस्था होप्स एंड ड्रीम के संस्थापक अमरजीत पंडित ने किया। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने स्वर्ण चंपा, गंधराज, पीपर, अमलताश के पौधे लगाए, साथ ही पौधे को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा घेरा लगाया। वहीं संस्था के सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस मौके पर राजेश कुमार अग्रवाल, प्रभात चंद्र मिश्रा, संजय कुमार, पिंटू कुमार चौधरी सहित संस्था के कई सदस्य मौजूद थे। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप कार्यक्रम में चयनित कहलगांव एसएसबी कॉलेज के छात्र मनोज कुमार यादव को तृतीय पुरस्कार मिला है, जिसको लेकर सोमवार को कॉलेज परिसर में छात्र राजद की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मनोज की सफलता पर छात्र संघ अध्यक्ष लव कुमार ने बधाई दी। वहीं छात्रों के बीच मनोज ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि बिहार झारखंड से सिर्फ मेरा चयन हुआ था। उन्होंने कहा कि वह 4 बिहार बटालियन से जुड़े हैं और स्वच्छता के प्रति शुरू से ही उनका लगाव रहा। छात्र संघ अध्यक्ष ने कहा कि मनोज की उपलब्धि पर पूरे महाविद्यालय परिवार को गर्व है और कॉलेज के छात्र इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। 2014 से एनसीसी का कार्यभार संभाल रहा हूँ। सीनियर अंडर ऑफिसर में हमारा रैंक है और हमारे यूनिट का नाम 4 बिहार बटालियन एनसीसी भागलपुर और हमारा ग्रुप भागलपुर ग्रुप। बिहार एंड झारखंड से अकेला में GGNCC दिल्ली स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप में हमारा चयन हुआ था और मैं वहाँ तृतीय पुरस्कार से हमको सम्मानित किया गया। भागलपुर हसडिया मुख्य सड़क मार्ग पर भंडारी चक के समीप 2 ट्रक एवं कार के बीच टक्कर हो गई। घटना में ट्रक चालक और कार पर सवार सभी लोग बाल बाल बच गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सिंधु कानू विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के पदाधिकारी चंद्रशेखर कुमार सिंह अपने परिवार के साथ कार से भागलपुर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान कार को ओवरटेक कर रही तेज रफ्तार ट्रक सामने से आ रही गैस लॉरी ट्रक कार से टकराते हुए बीच में घुस गया। घटना में गैस लॉरी का चालक स्टीयरिंग में फंस गया, जिसे स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष राजेश कुमार मौके पर पहुंचे और दोनों ट्रक को जब्त कर लिया। पीरपैथी के DPS स्कूल खेल मैदान में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच जगदेशपुर एवं गंगा ग्लोबल पब्लिक स्कूल के बीच खेला गया, जिसमें गंगा ग्लोबल पब्लिक स्कूल की टीम ने बाजी मार ली। प्रतियोगिता में विजेता टीम के आयुष मंडल को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। मैच में रेफरी की भूमिका बाल मुकुंद पांडे एवं राजीव कुमार ने निभाई। इससे पूर्व मैच का उद्घाटन डॉक्टर निर्मल कुमार पांडे ने किया। इस मौके पर निखिल रंजन, सीताराम पांडे, संजय मिश्रा सहित ग्रामीण एवं खेल प्रेमी मौजूद थे।
भागलपुर के स्टेपिंग स्टोन स्कूल में रविवार को मानिक चंद ज्वेलर्स की ओर से ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 400 बच्चों ने भाग लिया। सभी बच्चों को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वहीं प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को विशेष पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विमल वर्मा ने की। मौके पर कई शिक्षक और बच्चों के अभिभावक मौजूद थे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर ए के राय ने पदभार किया ग्रहण। सिंगल विंडो सिस्टम से छात्रों की समस्या दूर करने की कही बात। भागलपुर डीआरडीए सभागार में डीएम प्रणब कुमार ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। खेत में काम करने गए मजदूरों पर गिरा ठनका, एक की मौत, तीन की हालत गंभीर। भू राजस्व मंत्री एवं सांसद ने पंजवाड़ा में नव निर्मित पुल का किया उद्घाटन, ग्रामीणों में दिखा उत्साह। और देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा पूजा की सारी तैयारी हुई पूरी, मंगलवार को होगी पूजा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।